किसानों का हो रहा शोषण, भट्टा मालिक खनन करने के बाद नहीं देते किसानों को पैसे। जनपद संभल के थाना क्षेत्र रजपुरा के गांव सिहदलनपुर में एक भट्टा मालिक विशन पाल ने एक किसान के खेत से मिट्टी का खनन तय किया था 2 फीट उठाने के लिए, जबकि जमीनी स्तर पर खनन 3 फीट किया है, जिसकी कोई परमिशन भट्टा मालिक के पास नहीं है और न ही किसान धर्म सिंह के पास है। धर्म सिंह का कहना है कि 2 साल पहले खेत तय किया था मिट्टी उठाने के लिए और अभी तक इसका कोई भी पैसा भट्टा मालिक ने उन्हें नहीं दिया और ना ही जिस तरह से खनन करने की प्रक्रिया को पूरा करके उसकी परमिशन ली जाती है खनन ऑफिस से, ऐसा विशन पाल ने नहीं किया और अपनी दबंगाई के बल पर पूरा खनन कर डाला। यह राज जब खुला कि किसान के पैसे उसके पास नहीं पहुंचे तो वह परेशान होने लगा, जिसकी शिकायत उसने रजपुरा थाने को की तो उसे भगा दिया गया और जब वह विशन पाल के पास पैसे मांगने गया तो वह उसे धमकी देने लगा और लड़ने झगड़ने को उतारू हो जाता। धर्म सिंह के 2 पुत्र हैं जो कि भट्टे पर कार्य करते हैं। बड़े पुत्र का नाम राकेश है जो भट्टे पर ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता है। छोटे बेटे का नाम रघुनाथ है जो ईंट भरने व उतारने का कार्य करता है। दोनों भाइयों का कहना है कि उनकी मजदूरी भी पूरी तरह से नहीं दी गई है। खर्चे के नाम पर जो पैसे आते थे भट्टा मालिक विशन पाल उसे अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता था और खर्चा देने के बाद कह देता था कि मैं पैसे दे दूंगा। कार्य करते करते 2 साल हो गए और खेत की पूरी मिट्टी उठा ली गई तो धर्म सिंह व उनके पुत्रों ने पैसे मांगे कि पैसे की जरूरत है, हमारा पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, अपना घर हमको बनवाना है। तो भट्टा मालिक विशन पाल ने उन्हें बताया कि जो खर्चे में पैसे आए हैं वह उसका कर्जा है और वह काफी दबंग व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है और ऐसा उसने एक के साथ नहीं और किसानों के साथ भी किया है, जिसकी शिकायत रघुनाथ ने जन सुनवाई के माध्यम से DM जनपद संभल को प्रार्थना पत्र भेजा है। आए दिन किसानों का शोषण हो रहा है, भट्टे मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं। नाम तुम्हारा? कौन सा गांव है ये? सिंगलनपुर। क्या मामला ये मिट्टी को ले गए? सर मिट्टी भट्टे पे ले गए थे। कौन ले गए थे? कहाँ के हैं ये? हमारे गांव के हैं, सिंगलनपुर के। किस काम के लिए ले गए? ईंट बांधने के लिए। क्या कहते हैं? परमिशन से मिट्टी उठाई थी या बिना परमिशन से उठाई? हमारी तो कोई परमिशन नहीं थी। और उनकी परमिशन थी क्या? सर ये हमें पता नहीं। अच्छा, आपने मिट्टी किस लिए बेची थी? सर हम पर मजबूरी थी इसलिए हमने मिट्टी ली थी। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, गांव कौन सा है? सिंगदानपुर। जो मिट्टी का क्या मामला है? मिट्टी भट्टा वालों ने उठाई है सर। भट्टा वालों ने मिट्टी उठाई है? हाँ। आपसे पूछ करके उठाई थी? पूछी थी। 2 पिट मिट्टी तय। अच्छा, उसने 3-3.5 पिट मिट्टी उठा दी। किस हिसाब से मिट्टी उठाने के लिए कहा था? वो तो अपनी धिंगा मिट्टी तो उठाइए साहब, कोई परमिशन नहीं था उस पर, नहीं था ना हम पे। बिना परमिशन के ही मिट्टी उठवा दी? इसकी आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत करी है, कोई हमारी सुनना रहो। कहाँ की है शिकायत? चौकी में भी करी, हमारी अनसुनी कर दी। और कहाँ की है? और कहीं नहीं किया अभी। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म सिंह। कौन सा गांव है ये? सिंगदानपुर। अच्छा, क्या मामला है ये आपके मिट्टी का? मिट्टी उठाई है साहब, पैसा एक ने दिया है 2 साल लड़कर ने, मगर मजूरी करी है। किसने ना दिया पैसा और मिट्टी किसने उठाई है? मिट्टी विश्वपाल ने उठाई है। ये कहाँ के हैं? ये जाई गाँव के भट्टा वाले। किस काम के लिए मिट्टी उठाई है? भट्टा पे। भट्टा पे के लिए? हाँ। क्या कहते हैं? लाइक करता है। अपडेट मीडिया के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।